हेलो एंड वेलकम टू माय सक्सेस कोचिंग क्लासेस राजा जयपुरम। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक ऐसे महान राजनेता जिनकी आज 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उनके व्यक्तित्व, उनके जो उनका जो कैरियर था, उनका जो राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में कुछ हम अनछुए पहलू और जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षण थे उनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो में यानी कि जो मुलायम सिंह यादव जी, जिनका मेदांता हॉस्पिटल में आज सुबह उनका निधन हो गया, वो जिनका जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ और आज 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया, वो एक भारत के एक राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। वे मूलतः एक शिक्षक थे, किंतु शिक्षण कार्य छोड़कर वे राजनीति में आए और राजनीतिक पार्टी जिसका नाम समाजवादी पार्टी था उसका उन्होंने गठन किया। मुलायम सिंह यादव जी का अगर हम व्यक्तिगत जीवन को अगर हम उसकी बात करें तो उनका जीवन बड़ा ही विचित्र था, बहुत ही देखने वाला था, संघर्षशील था, गरीबों के साथ उनका विशेष लगाव था। तो कुछ ऐसे पहलुओं को ही हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और उसको आप सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट भी दें। तो मुलायम भाई को निधन हो गया। उनका राजनीतिक जीवन उत्तर भारत के सबसे बड़े समाजवादी और किसान नेता के रूप में जानी गई। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह जी ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नज़र आने लगा। मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख अनुयायी शिष्य थे तथा इन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। वे तीन बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, फिर 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान किया। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासी चुनाव में उन्होंने विशेष अच्छा स्थान प्राप्त किया और साथ साथ सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी कहा गया। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। यह पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने बूते पर सरकार बनाने में स्थिति में थी। नेताजी के पुत्र और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में उनको व्यापक जन समर्थन मिला। चुनाव के बाद नेतृत्व का मामला उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के विचार विमर्श के बाद अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का कमान यानी कि मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। अखिलेश यादव ने नेताजी के बताए गए रास्तों पर चलकर उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव अपने 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में पराजित करने के पश्चात उन्होंने यह परंपरागत विधानसभा क्षेत्र विशेषवंत नगर से ही अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया और नत्थू सिंह जी ने करहल का अपना टिकट मांगा। तो इस प्रकार से उनका जसवंत नगर जो क्षेत्र था वो उनका विधानसभा क्षेत्र बन गया। इटावा की सहकारी बैंक के
निदेशक भी चुने गए मुलायम सिंह जी। फिर उसके बाद विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह जी के लोक दल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधानसभा परिषद में मनोनीत करवाया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उसे उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और प्रदेश के रक्षा मंत्री बने थे। यह सरकार बहुत लंबे समय तक चली नहीं, मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चली थी। प्रधानमंत्री जी पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, किंतु उनके सजातियों ने ही उनका साथ नहीं दिया, जिसमें लालू यादव और शरद यादव जी थे। उन्हीं के इशारे पर उनका सपना चूर चूर हो गया और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज भी जीते थे, किंतु वहां से उन्होंने अपने ही बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया। देश विदेश तक से पत्रकार आए थे। उन्हें 8 लोगों की मौत और 42 लोगों के घायल होने का आंकड़ा बताया गया था। जब तफ्तीश और शमशान घाट गए तो वहां पूछा कि ऐसी कितनी लाशें हैं तो दफनाई गई हैं, तो उसमें कई बड़े बड़े चीज़ें आईं और बहुत ही बड़े बड़े खुलासे हुए। ये उनके जीवन का सबसे दुखद और सबसे ही विवादित क्षण था। तो इस प्रकार से जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी का जीवन गरीबों के प्रति था और राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे नेक काम किए हैं, लेकिन कुछ विवादित क्षणों को छोड़ करके, तो इस दुखद उनकी मृत्यु पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गहरा दुख प्रकट किया है। जय हिंद, जय भारत।